और इसी बीच आपको रोहतक से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर दो धार्मिक गुटों के बीच तनाव देखने को मिला है। ये बड़ी और अहम खबर, रोहतक से दो धार्मिक समुदायों के बीच तनाव देखने को मिला है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि विवादित जमीन को लेकर तनाव हुआ है दो धार्मिक समुदायों के बीच। आपको बता दें, तनाव के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है उस जगह पर। गुरुद्वारा और मंदिर को लेकर यह विवाद है, जहां पर दो धर्मों के समुदाय आपस में तनावग्रस्त हैं और मंदिर और गुरुद्वारा पास पास बने हुए हैं और इसी जमीन को लेकर यहां पर विवाद शुरू हो गया है। रोहतक से यह अहम खबर, दो धार्मिक समुदायों के बीच तनाव देखने को मिला है और तनाव जो है जमीनी विवाद को लेकर है। विवादित जमीन है, उसे लेकर तनाव दोनों गुटों में बना हुआ है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो पुलिस बल तैनात कर दिया गया है इस तनाव को देखते हुए, क्योंकि दो धार्मिक समुदायों के बीच ये तनाव है। आपको बता दें, गुरुद्वारा और मंदिर को लेकर ये विवाद सामने आया है। गुरुद्वारा और मंदिर जो है दोनों अब पास पास बने हुए हैं और जो विवादित जमीन है उसे लेकर विवाद हुआ है। रोहतक से यह अहम खबर आपको लगातार बता रहे हैं, दो धार्मिक समुदायों के बीच तनाव देखने को मिला है, जहां पर दो अलग अलग समुदाय हैं, एक हिंदू समुदाय होगा और एक सिख समुदाय। ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या वजह है विवाद की? देखिए, रोहतक शहर के जो सुभाष नगर कॉलोनी में जो गुरुद्वारा और मंदिर साथ साथ हैं और उसमें जो जमीन है कुछ है उसको लेकर काफी सालों से विवाद चलता रहा है। तो अभी मंदिर के जो संस्था है उसके द्वारा मंदिर के पीछे कुछ निर्माण करवाया जा रहा था, जिसका जो गुरुद्वारा जो संस्था समिति है वो उसका विरोध कर रहे हैं। लगातार कल तनाव की स्थिति बनी रही और पुलिस बल वहाँ पे तैनात करना पड़ा। अभी भी विवाद सामने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों का आरोप है कि जो ये जमीन है उनकी उनकी है, लेकिन ये जो वास्तव में जो बोर्ड की ये जमीन है और पोस्टर काफी लंबे समय से जब ये नगर निगम बना था तो दोनों को आधी आधी जमीन दे दी गई थी, लेकिन ये विवाद दोनों को काफी कह सकते हैं कि समय से चलता रहा। कोर्ट में भी ये विचाराधीन है और ये बताया जा रहा है कि मंदिर संस्था है उसके पक्ष में पहले कोर्ट ने दिया था, लेकिन जिस तरह से गुरुद्वारा जो संस्था है उसने ये आरोप लगाया है कि जो मर्डन और जो सिख समुदाय है वो गुरुद्वारे की जमीन है और इस वजह से वो जो लोग हैं हिंदू समाज के वो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए।